गुड मॉर्निंग 11th क्लास, मैं आज आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 2G.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा हूँ। और ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसकी एक पर्टिकुलर मेथड होती है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा और उसकी मेथड बताता जाऊंगा, ठीक है। तो देखें, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म, मतलब ये अपन को एक सीरीज दी हुई है, कहाँ तक दी हुई है, एन टर्म तक दी हुई है, ठीक है। तो इसको अपन को सॉल्व करना है, तो ध्यान दें, पहले तो अपन देखेंगे एपी में है क्या नहीं है, तो ये एपी में नहीं है और जीपी में भी नहीं है, ठीक है, एपी में भी नहीं है और ये जीपी भी नहीं है, मतलब ये एक स्पेशल सीरीज है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखें, 6+66+666+ एंड सो ऑन, ठीक है। इन सब में से अपन क्या कॉमन लेंगे, 6, तो यहाँ बचेगा 1+11 111 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या करना पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो इसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऑलवेज 9 का, ठीक है। तो 6 × 9 अपॉन, नीचे कोई नंबर नहीं था तो 9 आ जाएगा, 1+11 111 एंड सो ऑन एंड टर्म तक जाएगा। अब इस 9 का इस सीरीज में अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 6/9 एज इट इज, 6/9 = 9+99+999 एंड, ठीक है, देन 6/9 इन ब्रैकेट। तो देखें, 9 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 10 - 1, 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 9, यहां कितना है 999 है, तो 99 को ऐसा लिख सकते हैं 100 - 1, ठीक है, देन 999 को 1000 - 1 एंड सो ऑन, nth टर्म तक जाना है अपन को, ठीक है, देन 6/9 एज इट इज। अब इसमें 10, 100 और 1000 को एक साथ लिखेंगे, 10+100+1000 nth टर्म, ठीक है, कहां तक ले गए अपन इसको, nth टर्म तक, देन इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, -1 - 1 - 1 ये कॉमन ले लेंगे, तो 1+1+1+ और कहां तक जाना है, nth टर्म तक, ठीक है। तो 1+1+1, 1 कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 6/9+10 10^2 10^3 एंड nth टर्म, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, और मैंने क्या बताया, 1 कौन सा नंबर है, नेचुरल, तो इसको मैं n से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सी सीरीज बनी, जीपी, तो इसमें अपन को सम दिया है, मतलब अपन को sn फाइंड करना है, तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी, 10, द वैल्यू ऑफ r इज सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, एक 10 से 10 कैंसिल, द वैल्यू ऑफ r इज 10 और द वैल्यू ऑफ n इज n, ठीक है। sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 6/9, Sn का फॉर्मूला ग्रेटर देन 1 है, तो a r^(n-1)/r-1-n, ठीक है, यहाँ पर a और r की वैल्यू अपन पुट अप करेंगे, तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 6/9 एज इट इज, द वैल्यू ऑफ a इज 10, द वैल्यू ऑफ r इज ऑल्सो 10 - 1/10 - 1 - n, 6/9 एज इट इज, 10^(n-1)/9-n, ठीक है। तो यही अपना क्या होगा आंसर, इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते थे, 6/9 का मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन इतना भी आंसर अपन लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है उसी पैटर्न से आप लोगों को करना है। थैंक यू।